हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज हम देखने वाले हैं 2017 की एक यूज्ड स्कोडा ऑक्टेविया, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं स्टाइल प्लस वेरिएंट है। और 2023 के अंदर जैसे कि स्कोडा ने जो है अपनी ऑक्टेविया को डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो अगर आपको एक स्कोडा ऑक्टेविया खरीदनी है तो आप उसको जो ये यूज्ड कार मार्केट में जो खरीद सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। डीजल गाड़ी है 2017 की और स्टाइल प्लस वेरिएंट है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी की सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कंडीशन भी देखेंगे और आपको इसके अंदर क्या कुछ फीचर्स आते थे वो टाइम पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका हम एक बेसिक वॉक अराउंड रिव्यू ही कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस गाड़ी की फ्रंट लुक देख लेना। ये जो इसकी स्प्लिट हेडलैम्प्स ना, वो काफ़ी अलग दिखती है। इसके अलावा अगर आप कंडीशन भी देखें ना, तो आपको ये कंडीशन भी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे आपको जो इसके हेडलैम्प वॉशर्स मिलते हैं, उसके अलावा आप इसकी जो ये स्कोडा की बटरफ्लाई ग्रिल देख सकते हैं। ओवरऑल जो गाड़ी की कंडीशन है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद है। आपको काफ़ी क्लीन कंडीशन में गाड़ी मिलती है। ग्रे कलर की कार है। अगर हम साइड लुक भी देखें तो यहाँ पे एक बार आप साइड से भी कंडीशन देखना कि क्या कुछ आपको यहाँ पे कंडीशन मिलने वाली है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेंट वगैरह आपको काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अलॉयज देखें तो ये जो अलॉयज की साइज़ है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। 15 इंचेस के आपको अलॉयज मिलते हैं आगे पीछे दोनों साइड में। जो ये इसके अंदर जो ये डिस्क ब्रेक्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप पीछे भी देख सकते हैं, ये कुछ इसके डिस्क ब्रेक्स आपको पीछे के साइड में मिलते हैं। उसके अलावा पीछे से जो गाड़ी है उसकी आप यहाँ पे लुक देख सकते हैं। ये कुछ आपको जो ऑक्टेविया की यहाँ पे बैजिंग मिलती है और यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको जो इसकी हेडलैम्प्स वगैरह मिलती है। पीछे से भी वैसे आप कंडीशन देख सकते हैं, MH01 गाड़ी है और ये इसकी बूट स्पेस। तो ये एक बार आप यहाँ पे देखना, वैसे ये जो बूट स्पेस है ना, काफ़ी मतलब अलग तरह से खुलती है। आपको कंप्लीट इसकी जो विंडशील्ड है वो भी मतलब यहाँ पे जो है खुलती हुई मिलती है। तो आपको जो है बहुत सारी स्पेस यहाँ पे जो ये एक्सेस के लिए मिल जाती है। आप बहुत सारी जगह जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ मुझे इस स्कोडा ऑक्टेविया के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी तो गाइस कंडीशन आप देखना, कंडीशन आपको सच में काफ़ी अच्छी मिलती है। एक बार मैं आपको इस गाड़ी का जो साइड का मतलब ये साइड का भी जो ये लुक दिखा देता हूँ, आप कंडीशन देख लेना आपको किस तरह की कंडीशन मिलती है। काफ़ी क्लीन गाड़ी है, आपको ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी कम स्क्रैचेस मिलते हैं। ऑलमोस्ट ना के बराबर ही स्क्रैचेस है, बट छोटे मोटे स्क्रैचेस हर गाड़ी के ऊपर रहते हैं, तो वो आपको दिख सकते हैं। मुझे तो अभी तक कोई दिखा नहीं, बट हो सकता है कोई। बाकी तो अभी डायरेक्टली मैं चलता हूँ उस गाड़ी के अंदर और इसका एक बार हम जो इंटीरियर देखते हैं। सो ये है इस कार का इंटीरियर। इसके अंदर आपको जो ये वाइट एंड ब्लैक कलर का कम्प्लीट जो ये इंटीरियर कॉम्बिनेशन मिलता है। आप जो ये इंटीरियर की भी कंडीशन देख सकते हैं, आपको किस तरह की कंडीशन मिलती है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो ये सीट के कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे। उसके अलावा एक बार मैं गाड़ी के अंदर आपको चलते बताता हूँ। तो यहाँ पे आप एक बार देखना इसका वैसे जो ड्राइविंग पोस्चर है ना, वो काफ़ी आपको मस्त मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप अगेन ये जो डिस्टेंस वगैरह देखना है, वैसे एक बार मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको इंजन की आवाज़ की भी जो ये आइडिया आ जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं रेस भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं काफ़ी अच्छा इंजन है। आप कोई भी इसके अंदर जो दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। बाकी तो अगर हम बात करें ना स्कोडा की, ये काफ़ी रिलायबल कार्स रहती है। 2-3 लाख किलोमीटर तो आराम से चल जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो गाड़ी कितनी चली है वो भी आप देख सकते हैं। 93,000 किलोमीटर जो ये कार चल चुकी है। तो यहाँ पे आप ऑडोमीटर पे देख सकते हैं गाड़ी कितनी चली है। और यहाँ पे एक बार आप इसका डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, कुछ आपको इसका जो ये डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है। कितनी हुई ओके। वहां से लौटते हुए मेरे दिमाग में एक चीज बार बार आ रही थी, हेनरी विनर जब हंसे थे। एक्चुअली अभी कोई गाना तो नहीं लगा था, बट ओवरऑल ये जो क्वालिटी है ना, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। और इसी के यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स है। ये गाड़ी जो है ये ऑटोमेटिक पार्किंग के फंक्शन के साथ आती है। यहाँ पे आपको ये बटन मिलता है, सिंपली आपको ये बटन दबाना है और इसका जो ऑटोमेटिक पार्किंग है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप स्कोडा का जो वर्ल्ड फेमस गेयरबॉक्स भी देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको जो कुछ ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं मिलती है, काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। और अभी मैंने थोड़ी सी चला के भी देखी क्योंकि अभी पीछे से गाड़ी आई थी। उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। ओवरऑल जो कंडीशन है ना, वो काफ़ी क्लीन है। सनरूफ भी एक बार वैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से सनरूफ खुलता है एंड लेवल्स में खुलता है। तो जितना आपको चाहे उतना आप इसको जो ये अपने हिसाब से खोल सकते हैं। और अभी एक बार मैं आपको जो इसकी रेयर सीट्स भी दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है हम इसकी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। और गाड़ी में बैठे बैठे मुझे बहुत पसंद आ गया, बिकॉज जो एसी था वो बंद था। यहाँ पे ये कुछ आपको इसकी रेयर सीट्स मिलती है। आप यहाँ पे जो स्पेस वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो पीछे भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा दिखाया जैसा है नहीं, बट आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह आपको मतलब सारी चीज़ें काफ़ी क्लीन कंडीशन में मिलती है। एक्सेस ऐसा आपको जो यहाँ पे कोई घिसावट का जो साइन नहीं मिलेगा। और अभी हम बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो ये है 2017 की स्कोडा ऑक्टेविया, स्टाइल प्लस वेरिएंट है और सिंगल ओनर कार है। 93,000 किलोमीटर चल चुकी कार है और
अगर हम बात करें प्राइस की तो 15.6 लाख रुपीज़ में आप इस गाड़ी को जो है खरीद सकते हैं। अगर आपको ये गाड़ी बाय करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दे दूंगा, आप इस गाड़ी को जो है बाय कर सकते हैं। नासिक में आप JK ऑटोमोटिव के पास ये गाड़ी जो है बाय कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको आज का वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।